السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. मेरे मोअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम, मेहमानाने इज़ाम और अजीज साथियों, मैं आज आप हजरात के सामने अजमत वालिदैन यानी के माँ बाप की इज्जत एहतराम के मौकों पर कुछ लब कुशाई करने की जसारत कर रही हूँ। उम्मीद है कि बगौर समाज फरमाएंगे और इस नाजिश की हौसला अफजाई फरमाएंगे। दूर रहती है उनसे बलाए साइल, दूर रहती है सदा उनसे बलाए साहिल। अपने माँ बाप की जो रोज दुआएं लेते हैं, माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, माँ बाप और उस्ताद सब है खुदा की रहमत, है रोक टोक जिनके हक में तुम्हारी नियामत। मोहतरम सामईन, वालिदैन कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, वालिदैन खुदा की एक अजीम नियामत है, वालिदैन इंसान के वजूद में आने का जरिया है, वालिद जन्नत का दरवाजा है, तो वालिदा के कदमों के नीचे जन्नत है। इस बात को समझाने के लिए मैं आप हजरात के सामने एक सहाबे रसूल का वाकया सुनाती हूँ कि एक शख्स आए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बाप मेरे माल को खर्च कर देता है, मुझसे पूछता ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें बुलाओ। जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया है? कहा, तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की है। तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने चंद अशआर पढ़े दिल ही दिल में, जबान से नहीं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। जब दरबारे रिसालत में पहुंचे, जिब्राइल अमीन आ किया, तुझे ठंडी छाव में बिठाने के लिए गर्म हवाओं से लड़ा, तुझे ठंडी हवाओं से बचाने के लिए बड़ी रातों में काम किया, तेरी एक मुस्कुराहट देखने के लिए पूरी पूरी रात तड़पा, सारी सारी रात अपने आप को कोल्हू के बैल की तरह अपनी सारी जवानी का रस निचोड़ कर तेरी हड्डियों में डाल दिया। मैं बूढ़ा होता गया, तू परवान चढ़ता गया, मेरी कमर झुक गई, तेरी कमर उठ गई, मेरी टांगों से जान जाती रही, तेरी टांगे मजबूत हो गई, मेरे हाथ कांपने लगे, तेरे हाथ मजबूत हो गए, मैं लड़खड़ाने लगा, तू इतराने लगा, तो मुझे ख्याल आया कि जैसे मैं इसके लिए धक्के खाता था, दुआएं मांगता था, तड़पता था कि आज ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जब तुझ में जवानी की लहर दौड़ी और बुढ़ापे ने मुझे खा लिया, जब जवानी ने तुझ में रंग भरा और बुढ़ापे ने मेरे रंग छीन लिए, जब जवानी ने तुझे सीधा किया और बुढ़ापे ने मुझे टेढ़ा किया, तो एकदम से तू मुझे ऐसे घूर कर देखने लगा, तेरी आंखें माथी पर चढ़ गई, तू मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं तेरा नौकर हूँ और तू मेरा मालिक है। मैंने अपने 30 साल जिंदगी को भुला दिया कि हाँ हाँ, मैं बाप नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ, ये मेरा सरदार है। अगर ये मेरा बेटा होता तो यूं तो ना करता। उसने मेरी रातों के तड़पने को भुला दिया, गर्मी सर्दी से लड़ने को भुला दिया, कोल्हों के बैल की तरह मेरे चक्कर काटने को भुला दिया, अपनी खुशियों को दफन कर दिया अपने सीने में, कब्रिस्तान बना दिया अपने सीने को अपने ख्वाहिशात का, और आज तू मुझसे इस तरह बात करता है जैसे मैं
तेरा नौकर हूँ और तू मेरा आका है। अच्छा मेरे बेटे, मैं नौकर सही, तू सरदार सही, पर मैं तेरा पड़ोसी तो हूँ। पड़ोसी से पूछ लेता क्या हाल है, इतना ही पूछ लेता, कुछ जरूरत तो नहीं। मोहतरम सानाइन, ये बड़े दर्दनाक अशआर है। मेरी उर्दू में इतनी उसअत नहीं कि इन अशआर के दर्द को उर्दू में सिमो सकूं। इतना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोते रोते हिचकी बन गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को गिरेबान से पकड़ कर फरमाया कि दफा हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों से। अंत वमाल कल अभी के तू और तेरा माल तेरे बाप का है। मोहतरम सामाइन, इस वाकया से हमें इबरत लेना चाहिए और हमें अपने वालिदैन की दिलो जान से खिदमत करना, अल्लाह ताला का हुक्म और समाजी व अखलाकी फरीजा समझना चाहिए। तो चलिए आज हम सब इस महफिल में अपने माँ बाप से हुस्न सुलूक से पेश आने का अहद करें कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत का शौक व जज्बा नसीब फरमाए। आमीन। वो वक्त और थे कि बुजुर्गों की कदर थी, वो वक्त और थे कि बुजुर्गों की कदर थी, अब एक बूढ़ा बाप भरे घर पे बार है। बाप जीना है, बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक, बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक। माँ दुआ है जो सदा साया सगन देती है, जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, जब भी मेरी कश्ती सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हूँ खाब में आ जाती है। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته